ओके जी, अब हम बाकी देख रहे थे। मैं इस पे ना बैकग्राउंड मैंने लगाया है ये, अब मैं ये बैकग्राउंड फिलहाल ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने कह दिया नो कलर, ठीक है। जब जो बैकग्राउंड है 3D में भी स्मॉल होता है ना आजकल। नहीं अभी तो फिलहाल ये ग्रेडियंट में लगा ना। अच्छा अब हम यहाँ पे जाते हैं और वाटर मार्क लगाते हैं। वाटर मार्क क्या होता है कि कंपनी का नाम या कोई तस्वीर या कंपनी का लोगो वगैरह हम लगाते हैं। मैंने क्लिक किया वाटर मार्क पे, उससे ऐसे लफ्ज़ है कॉन्फिडेंशियल हो गया, डू नॉट कॉपी हो गया। मैं इसके बैक पे कस्टम वाटर मार्क लगाता हूँ और अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक। मैंने कहा यहाँ पे जाके नो वाटर मार्क या पिक्चर वाटर मार्क। मैंने पिक्चर वाटर मार्क सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने सेलेक्ट पिक्चर कर लिया, वर्क ऑफलाइन। मेरे पास तस्वीरें मौजूद थी, मैं यही पिक्चर जो है ये वाली सपोज बैकग्राउंड पे लगाता हूँ वॉशअप करके। अप्लाई किया के किया, देखो हल्की सी पिक्चर जो है ना पीछे आ गई है, ठीक है। कंट्रोल F2 करें तो प्रिंट प्रीव्यू में भी आप देख सकते हो हल्का सा इमेज जो है वो आ रहा है, ठीक। ठीक। मैं कहता थोड़ा डार्क आए पिक्चर, कस्टम वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क में जाके वॉशआउट ऑफ कर दिया। अप्लाई करोगे तो ये पिक्चर डायरेक्ट डार्क हो जाएगी, ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं मुझे तो इतनी डार्क नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको डार्क करूंगा ना अब जब ये इस तरह आएगी तो ब्लैक को प्रिंटिंग शो करेगी तो मेरा ख़राब हो जाएगा काफ़ी काम। तो हम हमेशा इसको हाँ कस्टम वाटरमार्क में जाके वॉशआउट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ इमेज नहीं चाहिए मुझे, मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो ये जस्ट प्रूव इट टेक्स्ट वाटरमार्क। यहाँ में गया, इंग्लिश का टेक्स्ट चाहिए, किसी और लैंग्वेज का चाहिए वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। उर्दू की तो आपको पता मैंने इंस्टॉल की हुई है तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाके टाइप करता हूँ सैयद अख्तर अली बुखारी, ठीक है। और इसका फॉन्ट आपने जो भी करना है वो ले लिया, साइज जो भी करना है वो ले लिया, कलर जिसमें भी लेना है। अप्लाई किया तो ये देखो हल्का हल्का आपके पास तिरछा जो है वो ग्रेडियंट में ये मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है। कंट्रोल F2 करके आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख सकते हो, आखिरी पेज भी दिखाता हूँ ये आ रहा है। अगर इसको भी आपने कलर बदलना है तो वहीं पे कस्टम वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क में जाके आप यहाँ से इसका सेमी ट्रांसपेरेंट कर दो। जब अप्लाई करोगे देखो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ नहीं और कोई कलर आए तो आप कोई और कलर भी लगा सकते हो। लेकिन ये वही बात कि अगर आप ज़्यादा लाइट का यूज़ हमेशा करना, डार्क करेंगे तो फिर टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। सो जस्ट गो बैक, गो टू वाटर, मैं ख़त्म ही करना चाहता हूँ, रिमूव वाटर मार्क, तो वाटर मार्क खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आती है पेज बॉर्डर की, मैंने क्लिक किया पेज बॉर्डर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। पहले सेंटर वाली ऑप्शन है पेज बॉर्डर, मैंने कोई भी बॉर्डर लगाना है मैं यहाँ जाके बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह आ जाता है। मैंने बॉर्डर का कलर चेंज करना है पेज बॉर्डर, मैं यहाँ से जाके जो भी कलर चेंज करना चाहूँ मैं क्लिक करता हूँ कलर पे और मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क ही है बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किया मैंने पेज बॉर्डर पे, मेरे पास आर्टिस्टिक बॉर्डर भी मौजूद है, आप कोई भी बॉर्डर स्टाइल यहाँ से यूज़ कर सकते हो, एप्पल यूज़ कर सकते हो। आप कहते हो नहीं सर हम तो यहाँ पे सीज़र यूज़ करना चाहते हैं, अब ये सीज़र बहुत बारीक सी आ गई है, मैं इस सीज़र को डार्क करना चाहता हूँ, आप क्लिक करो तो यहाँ से जाके आप इसकी विड्थ बढ़ा दोगे तो आपकी सीज़र जो है डार्क हो जाएगी, ठीक है। जैसे होता है यहाँ से कट करके भेजे तो ये बॉर्डर आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा पेज बॉर्डर मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से कोई और स्टाइलिश सा बॉर्डर जो है वो ले लेते हैं। सो आई जस्ट सेलेक्ट वेरी सिंपल बच्चे को ले लेता हूँ, मैंने यहाँ से कलरफुल लेकिन लेना है तो आई जस्ट लाइक दिस, मैंने ये ले लिया, फिर साइज बड़ा कर दिया, ओके कर दिया, तो ये मेरे पास इस तरह से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आई जस्ट गो देयर, मैंने कहा नहीं मुझे ना पूरे पे नहीं करना, मुझे सिर्फ इस पैराग्राफ पे बॉर्डर लगाना है। इसमें कर्सर रखा, पेज बॉर्डर पे क्लिक किया, ऑप्शन है बॉर्डर्स की, बॉर्डर में ऑप्शन है अप्लाई टू पैराग्राफ, के पैराग्राफ पे अप्लाई करना है। मैंने कहा जी हाँ, कौन सा बॉर्डर है वो यहाँ से आप बॉर्डर सेलेक्ट कर लो। मैंने यहाँ से ये बॉर्डर सेलेक्ट किया, इसकी विड्थ थोड़ी सी अगर बड़ी करनी है, नहीं कलर चेंज करना है, गोल्डन कलर कर देते हैं, ओके कर दिया, ये मेरे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। मैं इस पे शेडो लगाना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया, आप इसको शेडो दे सकते हो, कोई भी शेडो लगा सकते हो, शायद ये इस पर इतना क्लियर नज़र ना आए, चलो मैंने पैराग्राफ के ऊपर करता हूँ। मैंने यहाँ से इस पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लगाना है, मैंने क्लिक किया बॉर्डर, बॉर्डर्स, बॉर्डर में जाके आपने बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया, जो भी आपने बॉर्डर लगाना था वो सेलेक्ट करने के बाद आपने कहा शेडो, नीचे उसके शेडो आ जाएगा, अप्लाई किया तो देखो आप उसके आपके पास यहाँ पे शेडो जो है वो आ गया। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा पेज बॉर्डर, बॉर्डर में जाकर मैंने 3D शेडो किया। 3D शेडो ये होता है कि आप किसी साइड पर भी शेडो यूज़ करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ नहीं करना, मुझे ये बॉर्डर अप्लाई करना है पैराग्राफ पर, एस्पेक्ट सिर्फ टेक्स्ट पर, इतने ही सेव करना है, ठीक है। मैंने कहा क्लिक बॉर्डर्स, यहाँ जाके होल्ड डॉक्यूमेंट दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली या ऑल एक्सेप्ट एड, मैंने कहा नहीं मैंने इधर से कुछ नहीं छेड़ना, मैंने कहा बॉर्डर टेक्स्ट यहाँ से सेलेक्ट किया और मुझे ऊपर नीचे लगाना है तो ऊपर और
नीचे जहाँ भी आप ऑर्डर लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, क्योंकि ये टैक्स पे है तो सारे पे आ जाएगा, ओके किया तो ये देखो ये टैक्स पे आ जाएगा। अब मैं इसकी शेडिंग करना चाहता हूँ, तो यहीं पे ऑप्शन है मेरे पास शेडिंग की, आप यहाँ से जो भी शेडिंग करना चाहते हो, मैं कहता हूँ ब्लू शेड करना है, और यहाँ से ये दे दिया ओके किया तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो जो भी आपने ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करनी है वो आप इस तरह से डील कर सकते हो, ठीक है जी। कंट्रोल सूम मैंने आप क्लोज कर दिया, मेरे पास ये इस तरह से मेरा डॉक्यूमेंट जो है तैयार है। ये थे पेज बैकग्राउंड के ऑप्शंस जो कि हमने यहाँ पे भी देखे। इसके अलावा ऑप्शंस में आ जाते हैं, आप मार्जिन कितना देना चाहते हो, 24 पिक्सल, अगर आप कहते नहीं मैं बॉर्डर और शेडिंग का मार्जिन कम करके 12 पिक्सल कर देता हूँ, मैं 12 पॉइंट्स ले लिया इधर भी लेफ्ट पे भी, सॉरी आई जस्ट कॉपी इसको दूसरी जगह पे पेस्ट 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 ओके। सो यू सी के जैसे मैं ओके करूँगा तो ये और क्लोज हो जाएगा, देख सकते हो बॉर्डर आपके पास ज़्यादा मार्जिन के साथ जो है वो शुरू हो रहा है, ठीक है जी। सो इस तरह आप कोई भी ऑप्शन जो है पे बॉर्डर से जाकर आप उसकी ऑप्शंस में जाकर जो भी अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बढ़ाना चाहते हो, आप कहते हो नहीं मैं यहाँ पर 30 पिक्सल देखना चाहता हूँ पी टी, आई जस्ट सेलेक्ट कॉपी, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी ओके करता हूँ, तो मेरे पास ये इस तरह से आ जाता है। देखो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है जी, क्लियर है ये चीज़। ये क्लियर, तो ये हमारी ऑप्शन थी आई डिज़ाइन की, आज हमने डिज़ाइन टैब पर स्टडी किया, क्लियर क्लियर ओके।